हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइडेड किया गया है। और ये स्टूडेंट मेनली यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखेंगे कि सभी रूल्स को पहले अच्छी तरह समझना है, इसके बाद ही आपको पेटीएम विन है वो केस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, SSR हमारे स्टूडेंट का मॉक टेस्ट है। सबसे पहले बनता है कि पूरी टीम कंटिन्यू लगी है, एक लाइक बनता है, इसके साथ ही शेयर बनता है, और सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल पर बनता है, ठीक है। तो ये लॉकडाउन के अंतर्गत कंटिन्यू आपके लिए चलता रहेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरह आपका आंसर देना है। पहला जैसे क्वेश्चन है तो उसमें लिखेंगे फर्स्ट, और एक साथ सभी का आंसर देना है एक ही कमेंट में। और दूसरी स्थिति में कि आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन हो जाइए। और जो भी यदि अपना कोई भी PDF उसमें भेजना चाहता है आंसर का, तो भेज सकते हैं। मैं वहां पर आपको लाइव चैट है ओपन कर देता हूं, जो कि ओपन रहता है मॉक टेस्ट के दौरान, ठीक है, और कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना के दौरान, ठीक है। और इसके साथ ही उसमें आपके नंबर दे देने, जिससे जितने भी आप विन वहां पर जीतते हो उतने आपको वहां पर रुपए मिल जाएंगे। यहां पर जैसा है कि यदि 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के आपको 5 रुपये दिए जाएंगे यदि 10 के 10 सही करते हैं, और चार क्वेश्चन तक यानी कि टोटल आपके 8 ही 8 से अधिक क्वेश्चन सही लिखते हैं, जब भी आपको पेटीएम कैश मिलेगा। इससे कम होने पर आपको पेटीएम कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नेवी SSR स्टूडेंट में एक नई दिलचस्पी है जो उनको बनाए रखने के लिए है, और एक अच्छी तरीके से उनको एक अच्छे पढ़ाई के स्तर पर जाना, और अच्छी तरीके से वे कंटिन्यू मन बना रहे, और कंटिन्यू में मैं उनको यदि 10 मिनट भी बिजी रख पाया 24 घंटे में और उनको अच्छी शिक्षा दे पाया, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारी टीम द्वारा बहुत ही बेस्ट तरीका यहाँ पर संचालित किया गया है। तो प्लीज चैनल पर विजिट करते रहिए, आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तैयार हो जाइए, कमेंट देने तैयार स्टार्ट कर दीजिए, और सभी रूल है उसको फॉलो करना है जो मैंने बताया है। नंबर फर्स्ट, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य का कलाकार है? नंबर फर्स्ट भरतनाट्यम, नंबर सेकंड कथक, नंबर 3 मणिपुरी, नंबर 4 कथकली। और ये सारे क्वेश्चन नेवी SSR में प्रीवियस में पूछे गए सवाल हैं, और जो तैयारी करने वाले नेवी SSR हमारे स्टूडेंट वो जुड़ जाइए, आपको कंटिन्यू यहाँ पर बेस्ट मैटर वो प्रोवाइडेड किया जाएगा। और कल से आपका जो चैनल पर MR की क्लास है उसका स्पेशल बैच है वो स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर नंबर 2, युवर तुर्क के उपनाम से जाने जाते हैं भगत सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण, चंद्रशेखर, गोपाल कृष्ण, ठीक है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, BC Rai पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में, विज्ञान में, चिकित्सा में या साहित्य में? आपको इसका कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापित है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, असम में? इसका भी आपको अच्छी तरह कमेंट देना है, खूब कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है नेवी SSR में। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 9 अगस्त, 9 अक्टूबर को? आपको इसका राइट जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि ये सभी नेवी SSR के आप पढ़ भी पाओ और इनको सीख भी पाओ, और जो बच्चे इनमें गलत करते हैं तो उनको अच्छे से वो मैनेज भी कर पाओ, और उनको यहाँ पर बेस्ट शिक्षा भी मिल जाए और अच्छे क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड हो जाए, और वे कुछ उनको प्राइज भी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपकी वीडियो भी अगले जो वहाँ पर विन होंगे उनकी वहाँ पर दी जाएगी, जिससे कि आपको वहाँ पर बेस्ट फील हो, ठीक है, और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय दिल्ली में, वियना में, जकार्ता में, संघाई में, आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, और अगले में इनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, मजलिस किस देश की संसद है? जर्मनी, रूस, भूटान, ईरान? आपको इसका राइट जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 हो, देखिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? प्लीज राइट थ्योरी आंसर, यानी कि इसको आपको राइट देना है कि है रूस व कनाडा के मध्य स्थित है, या फिर कनाडा व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, या पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसका आपको नीचे लिखना है, इन दोनों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, सीन नदी के किनारे स्थित विश्व का शहर? मॉस्को, टोक्यो, पेरिस, रोम? इसका आपको राइट जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, आयनमंडल की कोई एक विशेषता बताइए जो आप जानते हो, जिसमें आप थ्योरी है उसमें लिख सकते हो, और बेस्ट ऑफ लक, आपका यहीं पर समाप्त होता है क्वेश्चन पेपर। देखते हैं किन किन बच्चों में कितना दम है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी स्टूडेंट जुड़ पाए, और यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन है नेवी SSR स्टूडेंट को वो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइडेड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं कौन बनता है विनर।